परसेंट का नहीं पता चलेगा, वो परसेंट नहीं करने से वो इस पर से उस पर हाथ इस पर से इस पर ये कहा जाता है भूतों की जो कोई छाया नहीं आता है। जैसे ये छाया है आपने देखो, ये छाया है देवता और भूतों की छाया नहीं आता। और देवता लोग देवता के पैर जो है जमीन पर टिकता नहीं, और उनके जो है पैर जो होता है थोड़े ऐसे होता है, गुरुदेव का ये पैर जो होता है, ये पैर के जो है हम लोग ऐसे चलते हैं ना, वो उनकी ऐसे हो जाए कुछ लक्षण की तरह होता है। देवता जो होते हैं देवता के आंखों के पलक नहीं पड़ता है। अच्छा महाप्रभु जो आ रहे हैं, अच्छा अभी देखो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चैतन्य महाप्रभु देखे ये जो जगन्नाथ मिश्र की जो देख रहे हैं, ये लीला क्या है, इसमें कहते देव लीला का। जैसे देवता लोग अपनी इच्छा के अनुसार इधर तो भूत पिशाच के नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं देवता लोग जैसे अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को धारण करते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण वो क्या कर रहे हैं ऐसे लीला करते हैं। इसलिए तीन बार एक मानव लीला पर मनुष्य के बाद ही हो रहा है। अच्छा एक होता है देव लीला हो रहा है और एक होता है राजा की लीला। राजा की लीला खानदान घर के जो होते मोटे छोटे तकड़ा होता है बस जिनके जिसके जिन अपने माता पिता के जिन से शरीर मोटा होता है ये तो दिखा देता है। इसलिए महाप्रभु जो ये दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो महाप्रभु जो कह रहे हैं, ये महाप्रभु नवद्वीप धाम में जो कुछ लीला कर रहे हैं ये बिल्कुल लोक के सद्बुद्धि पर हम विचार करेंगे किसके ऊपर, क्या बोले नवद्वीप वासी के ऊपर। नवद्वीप वासी को क्या करे, ये सची माँ के एक सामान्य बालक है, ये भगवान है ये मानने नहीं चाहते। तो संन्यास लेने के बाद तो निमन चेतन हुआ श्री कृष्ण, उसके पहले तो निमाई निमाई कहते थे, निमाई पंडित का किंतु महाप्रभु ये पद्य किसने नवद्वीप धाम के कहा जाता वृंदावन का अभिन्न वृंदावन नवद्वीप, इसमें नवद्वीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं, ये वृंदावन भेदे नवद्वीप धाम है। कुटीर खाने भक्तिवन ठाकुर कह रहे वृंदावन भेदे नवद्वीप धाम है पांडी पर कुटीर खाने, ये अभिन्न वृंदावन है वो नवद्वीप धाम। इसलिए वृंदावन धाम दिखा रहे। और विरह क्या है, कोई मिलन की पुष्टिकार हो रहा है।
नॉमिना डेवलपमेंट सम पुष्टि मसल जथा जथा रंजित बस जिस प्रकार मिलन आदि जो है उसकी जो है वो केवल भ्राते है विरह क्या करते विरह में क्या करते हैं विरह उसके माधुर्य तक आशा कर करके बढ़ा दिए इतना ही तक एक्चुअली विरह की रस रस में नहीं ले रहे वो सपोर्टर इसलिए कह रहे हैं विरह एक्चुअली रस नहीं है हम लोग उसकी केवल पर्यायवाचक शब्द की होने के नाते हम उसको मिलन विरह रस किंतु वास्तविक रूप में जो है मिलन ही जो है रसात्मक होता है आस्वादनीय विरह में क्या होता है तो उसे विरह भी इसलिए लिया जाता है बी माने विशेष रह माने मिलन संस्कृत में उसके विशेष मिलन भावों में मिलन हो रहे हैं क्योंकि जो वस्तु से हम जितने दूर हो जाते हैं उस वस्तु की अभाव होने के नाते उस वस्तु की आस्वादन और चैतन्य हमें ज्यादा हो जाता है इसलिए हैं वो विरह क्या करते हैं ना मिलन रस आस्वादन के वो बढ़ते हैं बढ़ाते हैं इसलिए चार प्रकार के जो मिलन दिखाया और चार प्रकार के विरह दिखाए तो ये विरह आदि जो है कौन कौन मिलन में जाकर के कैसे बढ़ाते हैं वो भी दिखाया पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र ये जो चार प्रकार के विरह दिखाए पूर्वराग जैसे संकीर्ण संक्षिप्त समृद्ध मान लास्ट समृद्ध मान ये चार जो विरह चार जो मिलन दिखाया और ये चार विरह एक दूसरे के परिपूरक कहा जाए इसलिए ये समस्त जो है मिलन की पूरे अधिक दिखाते हैं जैसे हम कह रहे हैं हरे कृष्ण हरे जैसे वो अष्टजुगल नाम जो हो रहे हैं अष्टजुगल समय तो एक प्लेयर सब बने थे वो अष्टजुगल नाम में इसमें केवल दिखाया गया ये तीन विरह दिखाए गए और चार पांच जो है मिलन दिखाए गए पांच मिलन दिखाए गए राम राम इसमें हरे कृष्ण दोनों ही मिलन दिखाए गए हरे कृष्ण 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 विरह दिखाए गए फिर मिलन फिर मिलन फिर विरह दिखाए पांच मिलन क्योंकि मिलन मिलन और विरह विरह और मिलन वही लेकर के जो है प्रेम जो है वो दुख होता है क्या बोले प्रकाशित होता है केवल मिलन हो विरह नहीं है उसमें माधुर्य आता ही क्योंकि गौड़ीय वैष्णव विचार भी सबके पारिवारिक विचार नहीं जैसे वो संप्रदाय है क्या बोले राधा वल्लभ संप्रदाय के पास ये लोग मिलन ये लोग विरह के नहीं ले रहे ये लोग मिलन के ले रहे ये लोग मिलन के भी ले रहे हैं और पारित्व के वो स्वीकार कठिन स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि रामकृष्ण के विवाह नहीं हुआ जैसे विवाहित नहीं हो करके जब दो दंपत्ति एक साथ में अनेक दिन रह जाते अनेक दिन तक रहते 20-25 साल तक रहते 50 साल तक रह जाता है तब उसके लोग उसके वैवाहिक जीवन मानते हैं वो वैवाहिक जीवन के मैरिज लाइफ को सोच रहे हैं लोग उसके कहते हैं उसी प्रकार संतान नहीं हो गया उसी भी होता है किंतु वास्तविक रूप में विवाह नहीं हुआ उसी प्रकार ये वल्लभी संप्रदाय जो है केवल राधा वल्लभी संप्रदाय ये उसी प्रकार जो है राधा कृष्ण ने विवाह के लिए स्वीकार कर
अत्यंत की शिकार कौटिल्य भी शिकार नहीं करते, फिर राधा जी का नित्य मिलान दिखा, जहाँ पर नित्य मिलान हो तो उत्कंठा नहीं रहता। वैवाहिक जीवन में क्या होता है ना, पति पति में मिलन की एक उत्कंठा था, उसमें हास ह्रास हो जाता है, कम हो जाता है। और प्रकृति में क्या होता है, उसमें उत्कंठा रहता है। और अभ्यासी में नारी व्यक्तियों के लिए कर असतंत्र जिनको महत्व कर जिस प्रकार और उसके प्रति आश्रय के आप क्या आसक्ति रखने वाले वो क्या करती है, गृह कार्य आदि बहुत सुचारू रूप से करती है, किसी के भी नाक्षर में भी किसी को पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगते ये स्त्री पुरुष के साथ प्रेम करती है। और गृह कार्य आदि कैसे कर रही है, अपने गृह कार्य आदि ऐसे दिखा, ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं, गृह के प्रति कितने आसक्ति है, पति के प्रति कितने आसक्ति है, सबके प्रति वो दिखा रहे हैं, किंतु मानी मान क्या कर रही है, जिस पुरुष के प्रति उसके आसक्ति है वो मानी मान उसकी रमसंगर सायन, और वही जो है वो मानी मान उसके साथ मिलन की जो है चिंतन आगे वो संयोग ऐसे लेते हैं जो को देते हैं तब वो ऊपर संसार के लिए तो ये सब जो है हम कहने के तात्पर्य है विरहत ही विरहत कम होता है मिलन के अभाव हो मिलन के अभाव हो जब तक विरह होता है। ये प्रकार के इसने आरोग्य तत्व में है ये दिखा दिया है। वो नहीं दिखाते हैं, केवल भयंकर जी नहीं कहूँगा केवल एक भाव मात्र दिखाते हैं। जैसे कृष्ण गोचारण के लिए वो गोचारण के लिए गए और उस समय तो गोपियां तो 10 मिनट बाद ही तो जा रही हैं जमुना के जल भरने के लिए अथवा क्या बोले सूर्य पूजा आदि के लिए। महाभाव की स्थिति क्या होता है, छह लक्षण प्राण दे कल पत्ते कनाड़ से लालसा और ब्रह्मांड में जितने भी श्लोक है उसमें एक गोपी दूसरे गोपी के जो बता रही है वह बता रही है अपने घर में क्यों आप कृष्ण से मिलना संभव नहीं हो रहा, ये मेनुगत किस लिए लिया गया, पूर्व राग में लिया गया। ये जिनको से बात कर रहे हैं इनके प्रति अनुराग कब उत्पन्न हुआ, इन लोग तो गोपियों के साथ कृष्ण के नित्य संबंध है, तथापि लोग लगे कौन सा गोपियों की क्या कर रहे हैं ना, जो मैं जिस दिन मां यशोदा बाल गोपाल को उसी की तरह मान दिया तो उस समय कृष्ण के निस्वाय देख करके और भाईगीत देख कर सभी भाईगीत हो गए मां यशोदा गोपाल को मान दिया तो गोकुल में बांध दिया और कृष्ण के उस समय मुख सूखा हुआ और गोपियां भी वहीं पर खड़ी हुई दूर खड़ी हुई गोपियां देख करके वो भी भाईगीत हुए। उस समय गोपियां क्या देख रही है, कृष्ण की ऐसे अवस्था देख करके उनके हृदय में एक अनुराग उत्पन्न हो गई जिसको कहा जाता है इसके दुख देख करके अपने हृदय द्रवीभूत होकर के और उनके प्रति एक सहानुभूति प्रकाश करते हैं। कैसे किसी को भूख देख करके आप सोच सकते हो ये खाई नहीं है, आपके हाथ में एक रोटी है तो आप क्या करोगे, चलो उनको दे दिया
जी पुष्टि का जी पुष्टि बाल जी पुष्टि के सूक्ष्म विचार करें जिस दिन माँ जो सोचा बाल घुमाऊं को बंधन बांध दिया कोकल में बांध दिया और उस समय कृष्ण की कृष्ण निस्वाय हो गए कंप्लीट रन एयरप्लेस हो गए आंखों से आंसू की धारा हो गई रोकी लीला कर रहे बच्चा शीशक शीशक करके रो रहे और हाथ ऐसे बांध दिया उस समय गोपियां भयभीत हो गए यही मां कृष्ण ऊपर डांट न दे मां कुछ न बोल दे और इसलिए गोपियां दूर खड़ी है और कृष्ण की तरफ देख रही है और देख करके कृष्ण के मंदिर में क्या हो गया एक सिंपैथिक बोले यही जो है उनके प्रति एक राग करने की प्रथम आभास था इस अवस्था में माने इतने छोटी उम्र में उर्राग उत्पन्न होना संभव नहीं है केवल एक सिंपैथिक आ गया वेदोचित में हमारे सुखदेव गोस्वामी ये शरद ऋतु वर्णन करने के साथ ही साथ ये वेदोचित के वर्णन के यद्यपि हमें कई प्रकार साधु के चित्त शिक्षाएं हैं एक साधक साधन करते करते किस अवस्था में जाकर के इस तो भावों के जय चिंतन कर सकते ईश्वर के वर्णन करें विश्व ऋतु के वर्णन किया विश्व ऋतु के वर्णन किया समर्ष जी इसके पास वर्णन हो रहा है वर्षा ऋतु के वर्णन हो रहा है वर्षा के बाद विश्व वर्षा शरद ऋतु वर्णन हो रहा है तात्पर्य क्या है विश्व काल में गर्मी के समय पूर्व होता है वर्षा में क्या होता है अधिक बारिश हो गया अब बारिश होने से नदी आदि अथवा पोखर आदि के जल कैसे हो जाता है मैला हो जाता है तो देखो शरद काल आने के साथ ही साथ वो जल क्या हो जाता है निर्मल हो जाता है बरसात के समय जो पानी जो होता है उसमें हजारों टन दे दिया साबुन की खुशबू क्या हो जाए सर्प जो है उसमें डाल दिया जाए वो सब नहीं हो किंतु देखो बरसात किस समय जाने के साथ ही साथ शरद काल आने के साथ ही साथ और समस्त जो मैला जो है इंडिया के नीचे चले जाते हैं और उधर के जल निर्माण हो जाते हैं तात्पर्य क्या है न तात्पर्य साधक जब श्रद्धा से लेकर के श्रद्धा संतोषम क्रिया अनर्थिक निष्ठा रुचि आसक्ति में आ रहे हैं तब उनके अनर्थ आदि नीचे चला जाता नीचे चला जाता और ऊपर में धीरे धीरे शुद्ध भाव आ जाता ये भी दिखा रहे अर्थात सुखदेव गोस्वामी का श्रीमद् भागवत में गोपियों की कोई बात चर्चा उन्होंने नहीं किया स्वभाव पे चर्चा करके